Definitely, every day when we turn the pages of newspaper, we find so many cases of rape, and it is very shameful and harmful. It hurts our emotions. So, रेपिस्ट ये करने से पहले सोचेंगे, डरेंगे कि उनको ये लगेगा कि हाँ, उनका ये गलत परिणाम हो सकता है आगे चलकर. एक हफ्ते के अंदर उन लोग का इनकाउंटर कर देना चाहिए, और जैसे विक्टिम से उन लोग की उनकी जिंदगी छीन ली, वैसे उनके साथ भी वही होना चाहिए, उन लोग की जिंदगी छीन लेनी चाहिए. नमस्कार, मैं हूँ राजन कुमार, आप देख रहे हैं देश डी न्यूज. हैदराबाद इनकाउंटर के बाद अब पटना में भी जश्न का माहौल देखा जा रहा है. वुमेंस कॉलेज के पास आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से केक काटा जा रहा है, और खुशी का माहौल है कि जो भी गैंगरेप हुआ है उस तरीके से आरोपित को हर जगह यही सज़ा मिलना चाहिए, उसका इनकाउंटर करना चाहिए. और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं. हैदराबाद पुलिस ने जो किया है वो बहुत अच्छा है, और लड़कियों के लिए जस्टिस है, और मैं चाहूँगी ये सारे स्टेट्स में हो. और एक्शन भले ही लेट से लिया गया है, बट ये बहुत सही जस्टिस किया गया है. सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ गैंगरेप हुई है वहीं इनकाउंटर की गई है, तो ये तो बहुत अच्छी है ना, कि अगर रेपिस्ट ये करने से पहले सोचेंगे, डरेंगे कि उनको ये लगेगा कि हाँ, उनका ये गलत परिणाम हो सकता है आगे चल करके. की जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ सबके चेहरे पे जो भी अवेलेबल है. खुशी हम लोग को मिल रही है वो हमारे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. बहुत सारे केसेस है उसमें जस्टिस अभी तक नहीं मिले, सो वी वांट कि उन सारे लड़कियों को भी जस्टिस मिले, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हैदराबाद पुलिस. डेफिनेटली एवरी डे व्हेन वी टर्न द पेजेस ऑफ न्यूज़पेपर वी फाइंड सो मेनी केसेस ऑफ रेप, एंड इट इज वेरी शेमफुल एंड हार्मफुल. इट हर्ट्स आवर इमोशंस, सो we need that our Bihar police should also rise and do the justice for all those girls and all those family of those victims. Mainly the family of the Buxar and the Samastipur, recently हम लोगों ने देखा दोनों लड़कियों को सेम कंडीशन सेम सिचुएशंस में जला दिया गया उनकी बॉडी को आफ्टर हरासिंग देम सेक्सुअली. सो जागो बिहार पुलिस, और क्या बोल सकते हैं. आज के न्यूज़पेपर में भी देखा गया है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि एक लड़की को एसिड अटैक हुआ है, तो ये सारी चीज़ों को बहुत जल्दी स्टॉप करना चाहिए. हम लोग भी इंसान हैं, हमारी भी इज्जत करनी चाहिए लोगों को. जस्ट द वे वी रेस्पेक्ट यू बॉयज, जस्ट द वे वी रेस्पेक्ट द बॉयज एंड द मेल पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी, इक्वली वी शुड बी ट्रीटेड. होना चाहिए हैदराबाद के जस्ट बाद, जैसे हम लोग ने देखा सीतामढ़ी में, बक्सर में वही चीज़ हुआ कि उन लोग को जो विक्टिम थी उन लोग को जला दिया गया. तो हम लोग भी चाहते हैं कि जैसे हैदराबाद में एक हफ्ते के अंदर उन लोग को सज़ा मिल गई है, वैसे ही बिहार की पुलिस को भी एक हफ्ते के अंदर उन लोग का इनकाउंटर कर देना चाहिए. और जैसे विक्टिम से उन लोग की उनकी ज़िंदगी छीन ली, वैसे उनके साथ भी वही होना चाहिए, उन लोग की ज़िंदगी छीन लेनी चाहिए. क्या लगता है कि डिसीजन तो अच्छा आया है, बट पूरे नेशन में सेम टाइप का डिसीजन आना चाहिए, टिट फॉर टैट होना चाहिए. जैसा विक्टिम के साथ करते वैसा ही रेपिस्ट के साथ भी होना चाहिए, उल्टा उससे ज़्यादा कड़ा कानून लागू होना चाहिए, जो हमारे कंट्री में नहीं है. बाहर की कंट्रीज़ में है, साउदीज़ वगैरह में है कि रेप की तुरंत सज़ा मिलती है, पर हमारे यहाँ एक हफ्ता लग गया. ये जल्दी से जल्दी डिसीजन आना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए विक्टिम को. न्याय मिलना चाहिए सबसे, नहीं सिर्फ गोली मारना तो एक तरह से जस्टिस नहीं हुआ. फिर भी इंडिया में जो होता आ रहा है कि बस केस चलते रहते हैं, विक्टिम के फैमिली परेशान है, केस चल रहा है. जितना आज तक का केस हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये सबसे अच्छा डिसीजन था, इनकाउंटर हुआ. बट क्या कह सकते हैं, इंटेंशनली नहीं हुआ, वो तो भागा दौड़ी में इनकाउंटर हो गया. इनको तो इंटेंशनली पब्लिक के बीच में मारना चाहिए, बस विक्टिम के साथ जैसा किया है उसके साथ वैसा होना चाहिए. पब्लिक के हवाले कीजिए, आप खुद मारिए पर पब्लिक को दिखाकर, ताकि खौफ पैदा हो, आगे कोई करने का सोचे ना दोबारा कि किसी को जिंदा जला देना. ये बहुत बुरी बात है, कितनी हीन मानसिकता है सबकी. तो बिल्कुल रेपिस्ट के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा वो विक्टिम के साथ करते हैं. बिल्कुल, जिस तरीके से खुशी का माहौल है और केक काटा जा रहा है, एक दूसरे को केक खिलाया जा रहा है और खुशी का इजहार है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महिला इससे खुश है, और कहीं ना कहीं इन लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं इंसाफ मिला है, और इससे खुशी का माहौल देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हैदराबाद पुलिस अपने कारनामे कर और उसे इनकाउंटर कर दिया गया, चारों अपराधी को उसी जगह पे जहां गैंगरेप हुई थी उसी जगह पे इनकाउंटर कर गोली मारा गया है. तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस से भी लड़कियाँ मांग कर रही है कि बिल्कुल उसी तरीके से बिहार पुलिस भी नींद से जागे, और जो भी रेपिस्ट हैं उसे उस पर कार्रवाई की जाए, उसे भी इनकाउंटर किया जाए. अपने सहयोगी राजेश के साथ राजन कुमार देश.